नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम पढ़ेंगे मुगल बादशाह जहांगीर। अब तक हम अकबर देख चुके थे, अब बात कर रहे हैं जहांगीर की। तो बात करते हैं जहांगीर के शासनकाल की कि जहांगीर का शासनकाल कब से लेकर कब तक था। तो जहांगीर का समय शुरू होता है 1605 ईस्वी से और ये शासन करता है 1627 तक। 1605 से 1627 ईस्वी तक का शासनकाल किसका शासनकाल माना जाता है? जहांगीर का शासनकाल माना जाता है दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं जहांगीर का जन्म कब और कहां हुआ। तो जहांगीर का जन्म हुआ 30 नवंबर 1569 1569 ईस्वी को 30 नवंबर 1569 को जहांगीर का जन्म होता है। अगर हम बात करते हैं जन्म स्थान की तो फतेहपुर सीकरी में होता है। फतेहपुर सीकरी आगरा उत्तर प्रदेश में है। शेख सलीम चिश्ती के खानकाह में होता है। तो जन्म स्थान था फतेहपुर सीकरी आगरा, ठीक है। बात करते हैं जहांगीर के बचपन के नाम की कि जहांगीर का बचपन का नाम क्या था। इसे अकबर प्यार से बोलता था शेखू बाबा। और इसी का दूसरा नाम था सलीम। ये इतिहास में किस नाम से शासक बनता है? तो नूरुद्दीन बादशाह मोहम्मद जहांगीर, यानी इसकी उपाधि की बात करें तो जहांगीर स्वयं भी इसकी एक उपाधि है। इसके अलावा ये नूरुद्दीन के नाम से जाना जाता था, ठीक है। किसके नाम से जाना जाता है? नूरुद्दीन के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं सलीम का यानी जहांगीर का राज्याभिषेक कब हुआ, बात कर लेते हैं अपन। हालांकि मैं पहले भी बता चुका हूं कि मुगल बादशाहों में राज्याभिषेक नहीं होते थे, ताजपोशी होती थी जिसे गद्दी निशनी भी कहा जाता है। तो यह हुआ 3 नवंबर 1605 को। कहां हुआ? आगरा में या आगरा के किले में हम कह सकते हैं, ठीक है। जबकि अकबर की मृत्यु 25 अक्टूबर 1605 को हुई थी, तो अकबर की मृत्यु के कुछ समय बाद में इसका राज्याभिषेक हो गया है दोस्तों। तो ये जहांगीर की कुछ पर्सनल बातें थी। फिर हम बात करते हैं जहांगीर के कौन कौन से विवाह हुए और किस प्रकार से इसके समय क्या क्या घटनाएं घटित हुई। तो बात करते हैं अपन, देखिए। तो बात करें अगर जहांगीर के प्रमुख विवाहों की, तो कई शादियां की थी इन्होंने। उस समय के शासक अनेक शादियां करते थे, बहुविवाह प्रथा का प्रचलन था। लेकिन जो मुख्य मुख्य है उन शादियों की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो मैं बात कर रहा हूँ इसकी प्रमुख पत्नियों की, कौन कौन थी जहांगीर की पत्नियाँ, बात कर लेते हैं। माता पिता का नाम मैंने जहांगीर का अभी नहीं बताया, अकबर के एपिसोड में बता दिया था, फिर भी आप जानना चाहते हैं। तो जहांगीर के पिता का नाम था अकबर और माता का नाम था हरकाबाई, जिसे आप मरियम उज़्ज़मानी के नाम से जानते हैं, ठीक। चलिए तो पत्नियों की बात कर रहे हैं अपन। तो पहली पत्नी देखते हैं क्या नाम है, दूसरी क्या है, तीसरी क्या है, तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बात करेंगे। तो सबसे पहले है मानबाई। तो मानबाई कौन थी, कहां की थी, ये प्रश्न आता है सबसे पहले। तो ये आमेर की राजकुमारी थी, या यूं कह दूं सीधा सीधा आमेर के राजा भगवंत दास की पुत्री थी। दूसरी भाषा में कहूं तो मानसिंह की बहन थी। तो आमेर के राजा भगवंत दास की पुत्री थी। इससे विवाह कब हुआ? तो इससे विवाह हुआ 1585 में, 1585 में शादी हुई दोस्तों, ठीक है। मानबाई को इसने कौन सी उपाधि थी? तो मालबाई कहलाती थी सुल्ताना ए निस्सा। इसके अलावा इसे शाह बेगम की उपाधि दी गई थी। इसके अतिरिक्त इसे
सुल्ताना मस्ताना भी कहते थे। तो ये इतने सारे नाम दिए गए थे किसको, मानबाई को दिए गए थे। लोग इसे मानमती, मन भावती आदि नामों से भी जानते हैं दोस्तों। तो आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री थी ये, ठीक है। 1585 में इससे विवाह हो गया। इसे सुल्ताना ये निसा या शाह बेगम या सुल्ताना मस्ताना के नाम से जाना जाता है, जिनमें से जो फेमस उपाधि है वो है शाह बेगम। प्रश्न आ जाता है शाह बेगम के नाम से जहांगीर की किस पत्नी को जाना जाता है, तो आमेर की राजकुमारी मानबाई। और इससे एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम है खुशरो। ध्यान रखना, सिर्फ खुशरो बोल रहा हूँ, अमीर खुशरो या कुछ और मत समझना, खुशरो। आगे चलकर बात करेंगे कि ये खुशरो विद्रोह करेगा, अभी बताएंगे इसके बारे में सारी कहानी, ठीक है। तो ये इसका पहला प्रमुख विवाह था, किसका, जहांगीर का। उसके बाद में इसकी दूसरी पत्नी की बात करते हैं, जो अन्य प्रमुख पत्नी है। चलिए, तो जहांगीर की पत्नियों की लिस्ट में हम अगली पत्नी की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो कौन थी वो, तो वो है जगत गोसाई। इतिहास में इस जगत गोसाई को भी लोग क्या कह देते हैं, जोधाबाई के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये जोधपुर की राजकुमारी थी। इसलिए कुछ विद्वान इसे जोधाबाई भी कह देते हैं, और विद्वान अकबर की पत्नी जो हरकाबाई है उसका नाम भी जोधाबाई बताते हैं। पर अधिकतर विद्वान इसी मत के साथ अपनी सहमति प्रकट करते हैं दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा इसका एक नाम मानमती भी बताया जाता है। अब बात करते हैं ये कौन थी और कहां की राजकुमारी थी, इससे विवाह कब हुआ, तो बात कर लेते हैं। ये जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी। इसे मोटा राजा की उपाधि अकबर ने प्रदान की थी। तो मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी। दूसरी विशेषता बात कर लें कि इससे विवाह कब हुआ, किस साल हुआ, तो इससे विवाह हुआ 1587 में। ये शादी कब हुई, 1587 में हुई, ठीक है। फिर बात करते हैं जगत गोसाई को किन किन उपनामों से जाना जाता था, इसको कौन सी उपाधि दी गई जहांगीर द्वारा, तो इसे उपाधि दी गई सुल्ताना ए जहान। तो सुल्ताना ए जहान के नाम से इसे उपाधि मिली हुई थी, ठीक है। और इसी जगत गोसाई के गर्भ से जहांगीर के एक पुत्र का जन्म हुआ था, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इतिहास इसे खुर्रम नाम से जानती है, लेकिन दुनिया इसे शाहजहां कहती है। तो शाहजहां कह सकते हैं जोधपुर का भांजा था, और इसका जन्म हुआ था दोस्तों 1592 में, 1592 ईस्वी में, सॉरी, हाँ ठीक है, 1592 में इसका जन्म हुआ था दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जगत गोसाई की बात अपन ने कर ली है। अब तीसरी इसकी एक और प्रमुख पत्नी थी, उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा अपन कर लेते हैं दोस्तों। तो जहांगीर की पत्नियों की लिस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, तो बात करते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, नूरजहां। कौन है, नूरजहां। तो बात करते हैं सबसे पहले नूरजहां का मूल नाम या बचपन का नाम क्या था, तो ये नाम था इसका मेहरुन्निसा। मेहरुन्निसा इसका नाम था दोस्तों। फिर बात करते हैं इसके पिता कौन थे, क्योंकि नूरजहां इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आ जाता है। तो इसके पिता का नाम था मिर्जा गयास बेग। ठीक है, इसी प्रकार से नूरजहां के भाई का नाम पूछ लेते हैं, आसफ खां। आगे चलकर अपन बात करेंगे,
क्या बात करेंगे कि नूरजहाँ अपना एक गुट बना लेगी जिसे नूरजहाँ जुंटा के नाम से जाना जाता था, और इसमें इसका भाई, पिता, माता, सभी लोगों का अपना अपना एक स्थान है। माता का नाम है अशमत बेगम। अशमत बेगम में से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कहते हैं कि इन्होंने इत्र का आविष्कार किया था, इन्होंने पुष्कर में गुलाब का इत्र बनाया था। इत्र पहली बार इन्होंने बनाया मध्यकाल में, ऐसा माना जाता है। अब मैं इम्पोर्टेंट चीज लिख रहा हूं, नूरजहां का प्रथम पति, अब ये मत कहना कि पति भी पहला दूसरा तीसरा होता है क्या, पर यहां था जिसका नाम था अली कुली बैक, जिसे उस समय लोग शेर अफगान कहते थे। और विवाह से पहले इसकी पुत्री थी दोस्तों, शादी से पहले, अर्थात यूं कह सकते हैं कि अली कुली बैग से इसके एक बेटी का जन्म हुआ था जिसका नाम था लाडली बेगम। क्या नाम था? लाडली बेगम इसकी बेटी थी। और इससे कब शादी हुई? तो इससे शादी हुई थी 1611 में। जहांगीर का नूरजहां से जो विवाह हुआ वो कब हुआ? 1611 ईस्वी में हुआ था। चलिए, तो ये प्रमुख प्रमुख बातें इसके बारे में जुड़ी हुई हैं। अब इसके बारे में थोड़ी सी कहानी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं दोस्तों। ऐसा कहा जाता है कि जहांगीर यानी सलीम थोड़ा दिलफेक किस्म का इंसान था। शादी से पहले आपको पता है, शादी से पहले भी, शादी के बाद भी इसके कई सारे संबंध रहे, जिनमें से अनारकली वर्ल्ड फेमस, जिसके बारे में मूवी भी बन चुकी है, मुगल-ए-आज़म है। तो कहते हैं कि जब इसने नूरजहां को पहली बार देखा तो वो पहले से शादीशुदा थी, पर नूरजहां को देखते ही इससे रहा नहीं गया, यानी एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, वो वाला गाना इसके मन में फूटने लगा, गुनगुनाने लगा। इसने अपने लोगों से कहा कि पता लगाओ कि हू सी, कौन है। अभी हिंदुस्तान का बादशाह है, पता लगाना बड़ी बात नहीं थी, तुरंत पता लग गया। अब पता लगने के बाद पर ये भी पता लग गया कि वो शादीशुदा है, और शादीशुदा से अगर विवाह करना है तो तब तक नहीं किया जा सकता जब तक या तो उसकी तलाक नहीं हो जाए या वो विधवा नहीं हो जाए। आफ्टर सम डेज, कुछ समय बाद शेर अफगान अली कुली बैग के किसी दुर्घटना में मृत्यु हो गई, या ये सोची समझी हत्या थी, नोबडी कैन से, लेकिन मृत्यु हो गई। ठीक है, उसके बाद में जहांगीर ने विवाह का प्रस्ताव भेजा इस विधवा से, इस बेवा से निकाह किया और इस पर एहसान किया दोस्तों उसने, हैं? और उसके बाद ये शादी कर ली। और उस समय वो शादी जो कर ली उससे पहले से एक बेटी थी जिसका नाम था लाडली बेगम। आगे चलकर हम बात करेंगे इस लाडली बेगम का विवाह जहांगीर के अन्य रानी से उत्पन्न पुत्र शहरयार से कर दिया गया था। ठीक है, बात करते हैं आगे। और उसके बाद नूरजहां को जहांगीर ने मेहरुन्निसा को जहांगीर ने उपाधि दी नूर ए जहान हो तुम, नूर ए महल। तो नूर जहां को नूर जहां या नूर ए जहान या नूर महल की उपाधि दी गई जो जहांगीर द्वारा दी गई थी दोस्तों। ठीक है, और उसके बाद आगे चलकर नूर जहां जहांगीर पर जरूरत से ज्यादा अपना प्रभाव जमा लेगी। संभवतः इसे पता लग गया होगा कि किस प्रकार से इसके पिता पति की मृत्यु हुई है। खैर, जो भी था, कुछ देर बाद हम बात करेंगे नूरजहां के गुट की। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मिर्जा गयास बैग को जहांगीर ने एक उपाधि दी थी, काफी फेमस है वो, जिसको उपाधि का नाम है दोस्तों एतमादुद्दौला। एतमादुद्दौला के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो है मिर्जा गयास बैग। तो इसे एतमादुद्दौला की उपाधि दी गई थी, किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। खैर, तो ये प्रमुख प्रमुख बातें थी जो अपन ने जहांगीर की पत्नियों से रिलेटिव देखी। अब उसके बाद में घटनाएं देखते हैं। अब देखिए, जो इसका बड़ा बेटा था खुसरो, उसने शासक बनते ही विद्रोह कर दिया। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जहांगीर के काल में खुसरो का विद्रोह।
कौन था खुसरो, ये अपन बात कर चुके हैं। जहांगीर का सबसे बड़ा बेटा है जो आमेर की राजकुमारी मानबाई से उत्पन्न हुआ था दोस्तों, ठीक है। चलिए तो इसके खुसरो के मामा कौन है मैं आपको बता दूं, खुसरो के मामा का नाम है आमेर के राजा मानसिंह और खुसरो के ससुर थे मिर्जा अजीज को। कौन थे? मिर्जा अजीज कोका। और ये इसने विद्रोह कब कर दिया दोस्तों? इसने अपने पिता के शासक बनते ही विद्रोह कर दिया, ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसका विद्रोह कब हो गया, लगभग 1606 ईस्वी में। चलिए क्यों हुआ, कैसे हुआ बताता हूं। देखिए स्वयं अकबर भी खुसरो को काफी पसंद करता था, योग्य लड़का था, शासक बनने के लायक था दोस्तों, ठीक है। और अकबर ने अपने मरने से पहले आमेर के राजा मानसिंह को इसका संरक्षक बॉडीगार्ड नियुक्त कर दिया था। और यूं भी कह सकते हैं कि वास्तव में इसे विद्रोह करने की प्रेरणा अपने मामा मानसिंह और ससुर अजीज कोका से ही मिली थी। उसको लगा था कि ये लोग इसकी हेल्प करेंगे क्योंकि ये बहुत पावरफुल थे। लेकिन अब आप जानते हैं कि बादशाह से पावरफुल तो नहीं हो सकते हैं, अब इन्होंने विद्रोह कर दिया भैया और इसने स्वयं को शासक घोषित कर दिया। ये शासक बनना चाहता था। संभावना ये भी जताई जाती है कि अकबर ने ही मरते समय कहा था कि मेरे बाद मेरे पोते को शासक बनाया जाए। खैर अपनी अपनी बातें लोग कर रहे हैं पर ऐसा इतिहास में तथ्यात्मक कहीं भी नहीं कहा जा सकता है। तो कुल मिलाकर खुसरो ने विद्रोह कर दिया कि पिताजी को कहा कि अबू दादाजी के बाद आप शासक बन रहे हो, आपके बाद मैं बनूंगा क्योंकि आपका बड़ा बेटा मैं हूं, तो आप इतना परेशान ही क्यों हो रहे हो, कष्ट ही क्यों कर रहे हो, सीधा ही मुझे बना दो। और ये बात इसे काफी नाराज लगी। किसको बुरी लगी, किसको बुरी लगी? जहांगीर को बुरी लगी। और जहांगीर ने क्या कर दिया मैं आपको बता दूं दोस्तों, जहांगीर ने अपने बेटे खुसरो को राजगद्दी के लिए अंधा करा दिया। क्या? जहांगीर ने अपने ही बड़े बेटे खुसरो को दोस्तों अंधा करवा दिया। और आपको पता है जब अंधा कर दिया तो ये अपने आप ही ये विद्रोह खत्म हो गया। शुरुआत में खुसरो को उसने जेल में डलवाया और जेल में ही इसे चुपचाप अंधा कर दिया ताकि भविष्य में ये विद्रोह करने के काबिल ना बचे। और मुगल दरबार में मानसिंह और अजीज कोका का सम्मान भी वो नहीं रहा जो अकबर के काल में था दोस्तों, ठीक है। इसके अतिरिक्त सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव, क्या नाम है, अर्जुन देव को खुसरो को आशीर्वाद देने या खुसरो का सहयोग करने के कारण फांसी दे दी गई दोस्तों, मृत्यु दंड दे दिया, सजाए मौत दे दी गई। तो इस प्रकार से विद्रोह का दमन किया जहांगीर ने। कैसे किया विद्रोह का दमन? इसने स्वयं खुसरो को जेल में डाल दिया और अंधा करवा दिया। और सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव जिन्होंने खुसरो की खुसरो को आशीर्वाद दिया था जीत का, उस सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को सजाए मौत, फांसी दे दी गई। और इस प्रकार से खुसरो के विद्रोह का अंत हो गया, ठीक है। चलिए उसके बाद में अगर हम बात करें तो जब दक्षिण अभियान पर गया था खुर्रम, तो खुसरो की माता जिनका नाम है मानबाई या मानमती, उन्होंने खुर्रम को कहा, क्या कहा, कि खुसरो की हत्या कर देना, उसे दक्षिण अभियान पे ले जाना और उसे मार देना। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो माता अपने बेटे को हिंदुस्तान के तख्त पर आसीन होता हुआ देखना चाहती थी, शासक बनना देखना चाहती थी, देश को चलाता हुआ देखना चाहती थी। लेकिन अब वो उस बेटे को चलता हुआ नहीं देख पा रही थी अच्छे से, क्योंकि वो अंधा हो चुका था। तो जो बेटा देश चलाने के सपने देख रहा था वो खुद नहीं चल पा रहा था। तो इस माता को बड़ा बुरा लगा कि मेरा बेटा दुखी रहे, उससे अच्छा है कि ये जीवित ही ना रहे, और उसी ने इसकी हत्या करवा दी। तो हम कह सकते हैं कि खुसरो की हत्या
1621-22 ईस्वी में खुर्रम यानी शाहजहां ने दक्षिण अभियान के समय की, ठीक है, कब की, दक्षिण अभियान के समय की। और चूंकि खुसरो की माता ने ऐसा कहा था दोस्तों, इसलिए मानबाई को भारतीय इतिहास में पुत्रहंता माता के नाम से जाना जाता है। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, खुसरो की माता मानबाई को पुत्रहंता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पुत्रहंता कहा जाता है दोस्तों। लेकिन स्वयं मानबाई भी ज्यादा समय तक जीवित नहीं रही और इन्होंने भी अत्यधिक मात्रा में अफीम का सेवन करके आत्महत्या कर ली दोस्तों। जो अपने जवान बेटा को मरता हुआ देख रही हैं, वो अब अपने आप को जीवित नहीं देख सकती है दोस्तों। और इसके आत्महत्या का कारण एक तो खुसरो का अंधा करवाया जाना और दूसरा जहांगीर का अन्य रानियों जैसे नूरजहां आदि के ज्यादा निकट संपर्क में होना और शराब की गिरफ्त में हो जाना था। तो इन कारणों से दुखी होकर मानबाई ने अत्यधिक मात्रा में अफीम का सेवन किया और आत्महत्या कर दी दोस्तों। तो इस प्रकार से मानबाई का एपिसोड भी समाप्त हो गया है। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं जहांगीर के काल में घटी अनेक घटनाओं की दोस्तों। तो क्या क्या प्रमुख प्रमुख घटनाएं हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहले जहांगीर ने शासक बनते ही बारह घोषणाएं की। तो इनकी संख्या पूछ लेते हैं कि शासक बनने के बाद इसने कितनी घोषणाएं की, तो 12 घोषणाएं की, जिन्हें उस समय के हिसाब से दोस्तों अध्यादेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अध्यादेश कहा जाता है। कौन कौन सी थी उनकी बात कर सकते हैं, जैसे जकात, तमगा, मीर, बहरी आदि करों का इसने निषेध कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात है शराब और अन्य वस्तुओं के उत्पादन और उनकी बिक्री पर इसने प्रतिबंध लगा दिया था दोस्तों, जबकि जहांगीर स्वयं अव्वल दर्जे का शराबी था। खैर बात करते हैं, तो इस प्रकार की इसने क्या कर दी, 12 घोषणाएं कर दी दोस्तों। उसके अलावा अब बात करते हैं इसके समय में घटी प्रमुख घटनाओं की, ठीक है। तो कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं बात करते हैं, जहांगीर के काल की प्रमुख घटनाएं। तो कौन कौन सी है वो प्रमुख घटनाएं बात करते हैं। सबसे पहली घटना हम देखते हैं मेवाड़ या चित्तौड़ के साथ संधि की। तो पहली प्रमुख घटना बात कर रहे हैं अपन मुगल मेवाड़ संधि। देखिए अकबर के शासनकाल में अकबर ने बार बार मेवाड़ को अधीन करने की कोशिश की। सबसे पहले हम बात करते हैं कि चित्तौड़ को जीता 1568 में 68 में उदय सिंह उस समय वहां का शासक था, वो पराजित अवश्य हुआ पर अधीनता स्वीकार नहीं की। उसके बाद में अकबर ने राणा प्रताप के समय अनेक अभियान किए, कभी शाहबाज खां के नेतृत्व में भेजा अभियान जो सबसे ज्यादा बार भेजा था, 3 बार भेजा था। इसके अलावा मानसिंह गए, ठीक है, आसफ खान गया और सुल्तान खान और कई व्यक्ति गए, लेकिन प्रताप ने भी अधीनता स्वीकार नहीं की। उसके बाद अमर सिंह के काल में अनेक अभियान किए, स्वयं सलीम को कई बार भेजा, पर सलीम उस समय हमने बात की थोड़ा सा आशिक मिजाज व्यक्ति था, ठीक है, ये वहां से सेना लेकर जाता आगरा से और अजमेर में मैगजीन फोर्ट में कई दिन रुकता, वहां एंजॉय करता, पार्टी करता, वहां से आगे सेना भेज देता और वापस आ जाता। अब जब ये स्वयं बादशाह बन गया तो इसको इस बात का एहसास हुआ कि मैंने जो किया वो गलत था और उसके बाद इसने
खुर्रम के नेतृत्व में अनेक अभियान किए, अनेक सेनापतियों को भेजा और 1615 में ये स्वयं चला गया। इस बार भी स्वयं तो अजमेर में ही मैगजीन फोर्ट में रुका, पर खुर्रम को यहाँ से आके भेज दिया और उसके बाद में खुर्रम के दबाव में आकर मेवाड़ के शासक अमर सिंह ने संधि कर ली। तो ये संधि किस किस के बीच हुई? जहांगीर और अमर सिंह मेवाड़ के शासक थे, जिन्हें इतिहास में अपन अमर सिंह प्रथम के नाम से जानते हैं। ये राणा प्रताप के पुत्र थे, ठीक है। किसके दबाव में, किसके प्रयासों से हुई ये संधि? हुई तो जहांगीर के काल में है, लेकिन खुर्रम के दबाव से वह मेवाड़ी जनता के दुख एवं मेवाड़ी सामंतों के आग्रह पर यह संधि हुई दोस्तों, ठीक है। यानी कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार से आक्रमण का शिकंजा बहुत कस दिया गया। देखिए, हर शासक प्रताप नहीं होता और हर बादशाह अकबर भी नहीं होता। जब जहांगीर शासक बन गया और खुर्रम को इसने कहा, तो आम जनता पर भी अत्याचार शुरू हो गया। सैनिक तो युद्ध लड़ सकता है, मृत्यु का वर्ण भी कर सकता है, लेकिन आम जनता के दुखों से अब वो द्रवित हो गया है। सामंतों ने कहा राणा जी से, अमर सिंह जी से, कि हुकुम, अब स्थितियां पहले जैसी नहीं रही हैं और अब हम इनका सामना नहीं कर सकते, क्योंकि अब ये हमारी जनता पर अत्याचार कर रहे हैं। जनता की सुरक्षा के लिए हुजूर हुकुम, हमें संधि करनी ही होगी। तो नहीं चाहते हुए भी अमर सिंह ने भारी मन से अधीनता स्वीकार कर ली दोस्तों, ठीक है। तो 1615 में मुगल मेवाड़ संधि हो गई। तो अब क्वेश्चन आ सकता है कि मुगल मेवाड़ संधि की प्रमुख शर्तें क्या थी। हालांकि बहुत ज्यादा हम नहीं देखेंगे, पर फिर भी मुख्य शर्तें अपन देख लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहली बात क्या हो गई मुगल मेवाड़ संधि की शर्तों की, मैं बात करूं तो प्रमुख शर्तें, ठीक। सबसे पहले पूरा मेवाड़ जो राणा उदय सिंह के समय था, यानी अकबर के आक्रमण से पहले था, वो वापस लौटा दिया जाए। तो मुगलों द्वारा चित्तौड़गढ़ सहित संपूर्ण मेवाड़ अमर सिंह को लौटा दिया गया। ठीक है, हालांकि ये इस शर्त पर लौटाया कि चित्तौड़ व प्रमुख किलों की अमर सिंह या मेवाड़ का कोई भी शासक मरम्मत नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उस समय जब चित्तौड़ को जीता गया तो अकबर को काफी कठिनाई और मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, और अब तो चित्तौड़ में तोपें भी लाई जा चुकी हैं, और अब अगर ऊंची और मोटी भारी दीवारों यानी परकोटे का निर्माण हुआ और उसके बाद मेवाड़ महाराणा ने अधीनता स्वीकार करने से मना किया, तो वापस बादशाह को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और हो सकता है जीत भी नहीं पाए। इसलिए चित्तौड़ के किले की मरम्मत नहीं कराएंगे दोस्तों। तो इस शर्त में एक शर्त क्या जोड़ दी गई? चित्तौड़ के किले की मरम्मत नहीं हो सकेगी, तो मरम्मत नहीं करवाई जाएगी। इस शर्त पर चित्तौड़ का किला लौटा दिया गया दोस्तों। तो ये पहली और प्रमुख शर्त थी दोस्तों। उसके बाद में जो मेवाड़ी शासक था उसे भी मुगल दरबार में उपस्थित होना था, लेकिन अमर सिंह ने मना कर दिया कि ठीक है, हम टैक्स चुका रहे हैं तुम्हें, विजय स्तंभ पर आपका झंडा लहरा रहा है, लेकिन स्वयं महाराणा आपके दरबार में कदापि उपस्थित नहीं होगा। तो जहांगीर ने भी बीच का रास्ता निकाला और अमर सिंह का पुत्र करण सिंह मुगल सेवा में भेजा जाएगा। तो मुगल सेवा
में भेजा जाएगा, कौन भेजा जाएगा, अमर सिंह का पुत्र जाएगा। जो कौन था दोस्तों, वो था करण सिंह। वो मुगल दरबार में भेजने पर सहमति हो गई, जिसे 5,000 का मनसब दिए जाने की बात की गई दोस्तों। ठीक है, तो मेवाड़ का वो पहला व्यक्ति जो मुगल सेवा में उपस्थित हुआ वो करण सिंह था। ठीक है, कौन था, करण सिंह। चलिए, इसके अतिरिक्त और क्या हुआ, मेवाड़ मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेगा। तो कुल मिलाकर इन सम्मानजनक शर्तों के द्वारा मेवाड़ ने अधीनता स्वीकार कर ली है, संधि कर ली है। ठीक है, यानी कि कर तो चुकाना ही पड़ेगा, अगर अधीनता स्वीकार कर ली तो जरूरत पड़े तो अपनी सेना को भी सहायता के लिए भेजना ही पड़ेगा। ठीक है, बदले में मुगल इन पर आक्रमण नहीं करेंगे, इनका साम्राज्य इन्हें लौटा देंगे, और इन पर यदि कोई आक्रमण करेगा तो मुगल उसकी सुरक्षा करेंगे। ठीक है, तो संधि हो गई है, चित्तौड़ सहित पूरा मेवाड़ वापस लौटा दिया गया, लेकिन चित्तौड़ के किले की मरम्मत नहीं करवाई जा सकेगी, ये शर्त उन्होंने रख दी। इसके अलावा अमर सिंह को मुगल दरबार में जाने से छूट मिल दी गई, हालांकि 1500 घुड़सवार उन्हें भेजने थे लेकिन छूट दे दी गई। साथ में राजकुमार करण सिंह मुगल सेवा में उपस्थित होगा, साथ ही साथ मेवाड़ को वैवाहिक संबंध कायम करने से छूट दे दी गई दोस्तों। ठीक है, उन्हें फ्री रखा गया कि कोई दबाव नहीं है, आप चाहे तो वैवाहिक संबंध कायम नहीं करें, यह आपकी इच्छा पर निर्भर करता है दोस्तों। तो क्वेश्चन क्या बन गया, पहला कि राजपुताने की अंतिम रियासत जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की कौन थी, मेवाड़। प्रश्न, राजपुताने का अंतिम शासक जिसने मुगल अधीनता स्वीकार की कौन था, अमर सिंह प्रथम। अब इस क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है, मेवाड़ का पहला शासक जिसने मुगल अधीनता स्वीकार की कौन था, अमर सिंह प्रथम। तो मेवाड़ का तो ये प्रथम है और राजस्थान का अंतिम है दोस्तों। तो ये एक प्रमुख अचीवमेंट था किसका, जहांगीर का, और इसी के साथ राजपुताने की सभी रियासतें मुगल अधीनता में आ चुकी है। दूसरी प्रमुख घटना बात कर सकते हैं अपन अहमदनगर की, कौन सी, तो दक्षिण विजय अहमदनगर। अहमदनगर वर्तमान महाराष्ट्र में है, दक्षिण भारत में। ठीक है, तो यहां पर भी इस अभियान में भी किसको भेजा गया, खुर्रम को भेजा गया दोस्तों। किसको भेजा गया, खुर्रम को भेजा गया था। ठीक है, तो इसे जीतने की कोशिश की, लेकिन अहमदनगर का प्रधानमंत्री मलिक अंबर था। कौन था, मलिक अंबर था, जो बहुत ही बुद्धिमान था और किसी भी प्रकार से ये अपने राज्य को अक्षुण बनाए रखने की कोशिश करता है दोस्तों। ये एक अबिसिनियाई दास था, पर वीर बहादुर होने के साथ साथ बुद्धिमान था। इस अभियान का नेतृत्व कौन करता है मुगलों की तरफ से, शहजादा खुर्रम। तो शहजादे खुर्रम को भेजा गया था जहांगीर द्वारा, स्वयं वो नहीं गया था दोस्तों। किसको भेजा था, खुर्रम को भेजा था। तो खुर्रम यानी कि शाहजहां इस अभियान पर गया था दोस्तों। तो जो आपका मलिक अंबर था, उसने भू राजस्व सुधार किया, अपनी सेना को उसने गुरिल्ला युद्ध पद्धति पर गठित किया, लेकिन देखते ही देखते खुर्रम का दबाव काफी बढ़ गया दोस्तों। तो 1617 में बीजापुर की मध्यस्थता से मलिक अंबर ने, या यूं कहें अहमदनगर ने, मुगलों से संधि कर ली। अर्थात सीधा सीधा कह दूं तो अधीनता स्वीकार की। तो पहली बार जहांगीर के काल में अहमदनगर ने
अधीनता स्वीकार कर ली है। कब कर ली है? 1617 में कर ली है। किसके दबाव में आकर कर ली है? खुर्रम के दबाव में आकर कर ली है दोस्तों। इसलिए इस अभियान से काफी खुश हुआ जहांगीर, किससे? खुर्रम से। और उसने खुर्रम को इस अभियान से प्रसन्न होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की। तो अब से खुर्रम किस नाम से जाना जाएगा दोस्तों? शाहजहां के नाम से जाना जाएगा। और इसे शाहजहां की उपाधि कब मिली? तो 1617 में मिली। किसके द्वारा मिली? उसी के पिता जहांगीर के द्वारा दी गई, और अहमदनगर अभियान की सफलता पर उसे ये उपाधि दी गई थी। तो इस प्रकार से खुर्रम धीरे धीरे अपना वर्चस्व मुगल दरबार में बढ़ाने लगा है दोस्तों, ठीक है। अब मैं आपकी बात कर लेता हूं थोड़ी सी, किसकी? नूरजहां के गुट की, जिसे आप नूरजहां जुंटा या नूरजहां गुट के नाम से जानते हैं दोस्तों। चलिए, तो जहांगीर के काल में ही अपन बात कर रहे हैं नूरजहां गुट की। नूरजहां जुंटा, जुंटा का मतलब है गुट से। तो इस गुट में कौन कौन थे? सबसे पहले अगर हम उनके नाम की बात कर लें तो देखो, स्वयं नूरजहां, नूरजहां के पिता मिर्जा गयास बेग, जिन्हें हम क्या लिख सकते हैं? एतमादुद्दौला। और नाम दे सकते हैं, स्वयं इसका भाई, नूरजहां का भाई आसफ खान, ठीक। इसके अलावा अपन कह सकते हैं इसकी माता अशमत बेगम, यानी पूरा परिवार ही आ गया इसका। और खुर्रम, जिसे आप शाहजहां के नाम से जानते हैं। तो इन सब ने मिलकर, एक तरीके से हम यूं कह सकते हैं कि इन सब ने मिलकर जहांगीर को अपने पूर्ण नियंत्रण में ले लिया दोस्तों। यानी कि जब से इसका विवाह हुआ 1611 से लेकर 1622 तक, पूरी मुगल राजनीति इस गुट के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आ रही थी दोस्तों। कहा जाता है कि कई कई दिन तो जहांगीर अपने हरम में से, यानी निजी कक्ष में से, यानी कि नूरजहां महल में से निकलता ही नहीं था, और उसे शराब के नशे में डुबो दिया गया दोस्तों। इतनी ज्यादा शराब के नशे में रहता था कि लोगों से मिलता भी नहीं था, यानी कि आज पी उतरी फिर पिला दी गई। और जब कोई बादशाह से मिलने आता, कोई संदेश लाता, तो नूरजहां उसे बादशाह से मिलने नहीं देती, स्वयं ही वो संदेशा लेती और जहांगीर से डिस्कस करने के बहाने अपने गुट के लोगों से चर्चा करती और स्वयं ही जहांगीर के नाम से उन्हें उत्तर दे देती थी दोस्तों। तो इस प्रकार से जहांगीर पर नूरजहां का अत्यधिक प्रभाव रहा। लेकिन बाद में क्या हुआ, 1621 में नूरजहां ने अपनी बेटी लाडली बेगम का विवाह शहरयार से कर दिया। बात की थी अपन ने अभी थोड़ी देर पहले, किससे कर लिया? पुत्री का नाम लाडली बेगम। तो लाडली बेगम वेड्स, शादी कर दी गई उसकी। किसके साथ कर दी गई भैया? शहरयार, जो कौन है? ये जहांगीर का अन्य पुत्र है। ये विवाह कब हो गया? 1621 में हो गया है दोस्तों। कब हो गई ये शादी? 1621 में हो गई थी, ठीक है। अब क्या हुआ, ये अपने जमाई को, यानी शहरयार को बादशाह बनाना चाहती है जहांगीर के बाद। दूसरी तरफ खुर्रम स्वयं शासक बनना चाहता है, और साथ ही साथ खुर्रम का विवाह किससे होता है? आसफ खां की पुत्री से। तो मैं यहां लिख रहा हूं आसफ खां की पुत्री, जिसका नाम है अर्जुमंद बानो। इस अर्जुमंद बानो बेगम का विवाह किससे हो जाता है? इसका विवाह हो जाता है शहजादे खुर्रम से।
ठीक है, तो इन दोनों की शादी आपस में हो जाती है दोस्तों। अब एक तरफ नूरजा अपने जमाई अपने दामाद शहरयार को शासक बनाना चाहती है, तो दूसरी तरफ आसफ खां अपने जमाई खुर्रम को शासक बनाना चाहता है। तो स्वयं बहन भाइयों में ही विरोध हो गया है शुरू दोस्तों। जहां लोगों के हित टकराने लगते हैं वहां का बढ़ने लगती है। इसीलिए कहा गया है डिप्लोमेसी हैज नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड एनिमीज। कूटनीति में ना तो स्थायी मित्र होते हैं ना ही स्थायी शत्रु। कूटनीति में होते हैं परमानेंट इंटरेस्ट, सिर्फ स्थायी स्वार्थ होते हैं। समझ में आ रही है बात? तो इनके स्वार्थ यहां टकराने लगे तो इनमें दुश्मनी हो गई है दोस्तों। और 1622 में ही ये गुट छिन्न भिन्न हो गया। 21 में तो ये शादी हुई और 22 में। और आपको एक खास बात बता दूं, यही अर्जुमंद बानो इतिहास में मुमताज के नाम से जानी जाती है, जिसे आप मुमताज महल कहते हैं, जिसके नाम पर शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। ये वही अर्जुमंद बानो बेगम इससे विवाह हुआ था 1612 में। कब हुआ? 1612 में। और ये कब हो गया? 1621 में। चलिए, तो इस प्रकार से ये शादी होते ही ये गुट छिन्न भिन्न हो गया। तो अब हम बात करेंगे खुर्रम के विद्रोह की। लेकिन उससे पहले जहांगीर के समय हुई घटनाओं में मैं थोड़ी सी घटना अंग्रेजों से रिलेटेड भी बात कर लेता हूं दोस्तों। तो प्रथम बार अंग्रेज राजदूत कब और किसके दरबार में आया? तो 1608 ईस्वी में। कब आ गया? 1608 ईस्वी में। कई विद्वान इसे 1609 भी बता देते हैं, जबकि एक्चुअल में कब आया? 1608 ईस्वी में आया था। कौन था? जिसका नाम था आपका कैप्टन हॉकिंस। तो कैप्टन हॉकिंस कब आया बात करते हैं। तो पहली बार अंग्रेज राजदूत कैप्टन हॉकिंस आगरा में जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। तो पहली बार कौन सा अंग्रेज राजदूत मुगल बादशाह किसी भी मुगल बादशाह के दरबार में आया? तो उसका नाम क्या था दोस्तों? कैप्टन हॉकिंस था। कब आया? 1608 में आया। और कहां उपस्थित हुआ? तो आगरा के किले में उपस्थित हुआ। और किस मुगल बादशाह के दरबार में उपस्थित हुआ? तो के दरबार में उपस्थित हुआ, किंतु इसे व्यापार की अनुमति नहीं मिली। क्या? इसे व्यापार की अनुमति प्राप्त नहीं हुई। ठीक है, आगे बात समझ में। उसके बाद में किससे व्यापार की अनुमति पहली बार हुई? तो बात करते उस तिथि की, 10 जनवरी 1616 ईस्वी को अंग्रेज राजदूत क्या नाम है उसका? सर टॉमस रो को मैगजीन दुर्ग यानी कि अकबर का किला अजमेर में जहांगीर ने व्यापार की अनुमति प्रदान की। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किस अंग्रेज राजदूत को पहली बार व्यापार की अनुमति प्राप्त हुई? तो सर टॉमस रो को प्राप्त हुई। कब प्राप्त हुई? तो 10 जनवरी 1616 को प्राप्त हुई।
कहां प्राप्त हुई? तो मैगजीन दुर्ग में प्राप्त हुई, यानी कि अजमेर में प्राप्त हुई। किसने दी ये अनुमति? ये आपके मुगल बादशाह जहांगीर द्वारा प्रदान की गई। सर टॉमस रो, ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत था। किसका राजदूत था? जेम्स फर्स्ट का राजदूत था दोस्तों। तो इसे व्यापार की अनुमति प्राप्त हो गई। बाकी डिटेल्स की बात हम बाद में, जब भारत में आधुनिक भारत के इतिहास में बात करेंगे यूरोपियों के आगमन की, तब विस्तार से बात करेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, कैसे हुई, कौन सी कहां व्यापारिक कोठी स्थापित हुई, ठीक है। लेकिन ये एक छोटी छोटी पर इंपॉर्टेंट बात थी दोस्तों। तो इस प्रकार से, इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि सर टॉमस रो ने से फारसी भाषा में बात की थी दोस्तों। किस भाषा में बात की थी? फारसी भाषा में बात की थी। और कई सारे नजराने भेंट, उपहार और टैक्स तो दिया ही दिया, साथ में शैंपियन भी इसने उपहार में जहांगीर को भेंट की थी। तो इस प्रकार की बातें भी जहांगीर से रिलेटेड हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे? जहांगीर के समय जो खुसरो का विद्रोह हुआ उसकी बात करें तो जहांगीर के समय में हुए प्रमुख विद्रोह, तो प्रमुख विद्रोह में सबसे पहले हम बात करेंगे किसका विद्रोह? शहजादे खुर्रम का विद्रोह। खुसरो का तो पहले देख ही चुके हैं। लेकिन इसने बीच में ही गड़बड़ कर दी और विद्रोह कर दिया दोस्तों। तो क्यों विद्रोह कर दिया? इसके बारे में कहा जाता है कि चढ़ाई पर, कंधार पर चढ़ाई का आदेश दिया गया, लेकिन इसने बात की कि संपूर्ण पंजाब और रोहतासगढ़ मुझे दे दिया जाए, यानी यहाँ का सूबेदार बना दिया, पूरा का पूरा पंजाब और रोहतासगढ़ साथ में दे दिया जाए, ठीक है। लेकिन जहांगीर ने इसको मना कर दिया तो खुर्रम ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह करने के बाद में महावत खां को भेजा गया इसका विद्रोह का कुचलने के लिए। खुर्रम वहां से भागकर मेवाड़ आ गया। मेवाड़ में उस समय शासक हुआ करता था, कौन हुआ करता था? करण सिंह, ठीक है। तो करण सिंह वहां का शासक था दोस्तों। तो करण सिंह के पास आकर मेवाड़ में इसने शरण ली और मेवाड़ में करण सिंह ने पिछोला झील के मध्य में बने जगमंदिर महलों में से शरण प्रदान की थी। तो खुर्रम ने विद्रोह कब कर दिया? 1622 में किया। और इस विद्रोह का दमन किसने किया? तो वो है महाबत खान। ये अकबर के समय के प्रमुख सेनाध्यक्ष थे, सेनापति थे दोस्तों। क्या नाम बता रहा हूं मैं? महाबत खान, ठीक है। तो महाबत खान ने इस विद्रोह का दमन किया। महाबत खान का एक और नाम है जो कई बार पूछ लेते हैं एग्जामिनर। महाबत खान फेमस नाम है, इसलिए कई बार नहीं आता है, तो जमान बेग। तो जमान बेग ने इस विद्रोह का दमन कर दिया दोस्तों, ठीक है। और कांधार जहांगीर के हाथ से निकल गया। उसके बाद जो प्रमुख विद्रोह है वो स्वयं महाबत खान ने कर दिया। तो बात करते हैं अपन महाबत खान के विद्रोह की। तो महाबत खां का विद्रोह या महाबत खां के विद्रोह की अपन बात कर रहे हैं, ये हुआ 1626 में दोस्तों। जहांगीर इस समय कश्मीर जा रहा था और कश्मीर जाते समय मार्ग में महाबत खां ने विद्रोह कर दिया और स्वयं जहांगीर को ही बंदी बना लिया दोस्तों। तो कश्मीर जाते समय मार्ग में महाबत खान ने जहांगीर को बंदी बना लिया। किसको बंदी बना लिया? जहांगीर को बंदी बना लिया दोस्तों। नूरजहां ने उसे छुड़ाने के लिए आक्रमण किया। क्या? नूरजहां ने उसे छुड़ाने के लिए आक्रमण किया तो नूरजहां को भी बंदी बना लिया। जब नूरजहां ने इस पर आक्रमण किया महाबत खां पर, किसको छुड़ाने के लिए? जहांगीर को छुड़ाने के लिए। तो महाबत खां का पलड़ा इतना भारी था दोस्तों कि स्वयं नूरजहां भी पराजित हुई और नूरजहां को भी बंदी बना लिया गया। पर नूरजहां
बहुत ही होशियार, समझदार और बुद्धिमती औरत थी और इसने चाल चली और षड्यंत्र द्वारा स्वयं को एवं जहांगीर को मुक्त कराया। तो महाबत खां के विद्रोह से नूर जहां ने युक्ति द्वारा स्वयं को व बादशाह जहांगीर को मुक्त करवाया। तो इस प्रकार से महाबत खां के विद्रोह का बाद में अंत हो गया दोस्तों। तो ये हुआ इसके समय के प्रमुख विद्रोह की बातें। अब इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है न्याय की जंजीर। कहते हैं कि जहांगीर न्याय पसंद इंसान था दोस्तों, और इसने आगरा के किले में न्याय की जंजीर लगवाई, बाहर की तरफ एक जंजीर लटकवा दी। कहते हैं कि वो सोने की जंजीर थी और कई सारी घंटियां अपने कक्ष में लगवाई, और अगर किसी फरियादी को फरियाद मांगनी है यानी किसी को न्याय की गुहार करनी है तो वो जंजीर को खींचेगा, घंटियां बजेगी और जहांगीर जहां भी होंगे, जब भी जैसे भी अगर आगरा में उपस्थित हैं तो वो वहां पर आकर क्या करेंगे, उसको न्याय करेंगे, उसकी क्या करेंगे, उसके फैसला करेंगे, उसकी सुनवाई करेंगे दोस्तों। ठीक है, ऐसी जंजीर इन्होंने, हालांकि वो लोहे की थी, अपने अजमेर के मैगजीन दुर्ग में भी लगवाई थी। तो न्याय की जंजीर तो कहां लगवाई, ये प्रश्न आ जाता है। तो आगरा के किले में दोस्तों, किसने लगवाई ये तो हम समझ गए, जहांगीर ने। तो आगरा के किले में, और आगरा के किले में प्रॉपर स्थान कौन सी जगह लगाई, तो उस जगह का नाम था दोस्तों मुसम्मन बुर्ज, और इसी बुर्ज में कालांतर में शाहजहां को कैद करके रखा था। किसने, उसी के पुत्र औरंगजेब ने। इसलिए अब इस मुसम्मन बुर्ज को इतिहास शाह बुर्ज के नाम से जानती है। तो कहां लगवाई थी, आगरा के किले में, मुसम्मन बुर्ज में, और इसी मुसम्मन बुर्ज की जगह नाम क्या आ सकता है, शाह बुर्ज नाम आ सकता है। इसके अलावा जहांगीर का काल चित्रकला का स्वर्ण काल था। जैसे अकबर का काल तो किसी का नाम नहीं आया, तो मध्यकाल का स्वर्ण काल अकबर का काल था, या इसके अलावा हिंदी भाषा का स्वर्ण काल अकबर का काल था, पर पर्टिकुलर आपकी पेंटिंग्स शब्द आ जाए कि चित्रकला का स्वर्ण काल किसका काल था, तो जहांगीर का काल था दोस्तों। ऐसा कहा जाता है कि अगर एक ही चित्र 10 कलाकारों ने मिलकर बनाया है तो जहांगीर ये बता देता था इस चित्र का कौन सा भाग किस कलाकार ने बनाया है। तो इतना मर्मज्ञ था, बसावन, मनोहर आदि प्रमुख चित्रकार भी थे दोस्तों। ठीक है, तो ये इसके समय की प्रमुख बातें थी दोस्तों। अब उसके बाद में हम बात कर लेते हैं सीधी सीधी, क्या बात कर लेते हैं, जहांगीर की मृत्यु की। तो जहांगीर की मृत्यु कब हुई, कहां हुई, बात करते हैं। तो जहांगीर की मृत्यु हुई दोस्तों 1627 ईस्वी में, और कहां पर हुई, लाहौर में। तो आज प्रश्न आ जाता है कि जहांगीर का मकबरा कहां है दोस्तों। तो जहांगीर का मकबरा प्रॉपर स्थान तो शाहदरा है, शाहदरा लाहौर में, और इस मकबरे का निर्माण किसने करवाया था, तो बात करते हैं नूरजहां ने। इस मकबरे का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। तो जहांगीर का मकबरा वर्तमान पाकिस्तान में है, लाहौर में है दोस्तों, और इसका निर्माण किसने करवाया, नूरजहां ने कराया। और इसकी मृत्यु कब हो गई, 1627 में हो गई दोस्तों। कब हो गई इसकी मृत्यु, 1627 में हो गई है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि जब जहांगीर मर गया, क्या जब जहांगीर की मृत्यु हो गई तो उत्तराधिकार संघर्ष हुआ, तो किसने किसको शासक बनाने की कोशिश की, बात करते हैं। तो जहांगीर की मृत्यु के बाद 1627 ईस्वी में नूरजहां शासक बनाना चाहती है अपने जमाई शहरयार को, लेकिन वो जानती है खुर्रम विद्रोह करेगा,
इसलिए वो अपने बेटे को शासक या अपने जमाई को शासक ना बनाकर किसको बनाती है? तो 1627 में नूर जहां ने खुशरो के पुत्र, ये वही खुशरो है जो जहांगीर का बड़ा बेटा था, खुशरो के पुत्र दावर बख्श को शासक बनाया दोस्तों, क्योंकि नूरजा ये सोचती है कि दावर बख्श और खुर्रम में आपस में झगड़ा होगा, युद्ध होगा, दोनों ही मारे जा सकते हैं, पराजित हो सकते हैं, और उसके बाद मैं अपने जमाई यानी कि खुर्रम सॉरी शहरयार को शासक बना दूंगी। ठीक है, तो दावर बख्श को शासक बनाया गया, कुछ लोगों के अनुसार नूरजहां ने बनाया, तो कुछ कहते हैं कि आसफ खान ने इसको शासक बनाया दोस्तों। तो इस प्रकार से ये शासक बन गया। ठीक है, लेकिन लेकिन खुर्रम ने मतलब शाहजहां ने दावर बख्श की हत्या कर दी और स्वयं शासक बना। ठीक है, इसीलिए इतिहासकार दावर बख्श को बलि का बकरा कहते हैं दोस्तों। क्या कहा जाता है? बलि का बकरा कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये हमने बात कर ली है। खैर चलिए, तो अब हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं, जहांगीर के काल में बनी इमारतें। सीधा सीधा लिख देता हूं, प्रमुख इमारतें। तो इन इमारतों में सबसे फेमस इमारत है दोस्तों, वो है क्या है, एतमादुद्दौला का मकबरा। किसका मकबरा? एतमादुद्दौला का मकबरा। एतमादुद्दौला कौन था? तो ये नूरजहां का पिता था दोस्तों। ठीक है, इस एतमादुद्दौला की मृत्यु कब हुई थी? तो इसकी मृत्यु भी जहांगीर की मृत्यु से थोड़ा सा पहले ही हुई थी, 1627 में हुई थी दोस्तों। ठीक है, इस मकबरे का निर्माण इसकी बेटी ने कराया यानी कि नूरजहां ने। तो इसमें से क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं एतमादुद्दौला के मकबरे से, तो बात करते हैं। ये मुगल काल की ऐसी प्रथम इमारत जो पूर्णतः सफेद संगमरमर से निर्मित है। तो मुगल काल की ऐसी पहली इमारत जो पूरी तरह से श्वेत संगमरमर से निर्मित है, तो वो कौन सी है दोस्तों? वो एतमादुद्दौला का मकबरा है। दूसरी विशेष बात क्या है इस मकबरे की? ये ऐसी मुगल काल में बनी प्रथम इमारत जिसमें पित्रादुरा कला का प्रयोग हुआ है। क्या है ये पित्रादुरा कला? बात करते हैं दोस्तों, जब पत्थर की बनी इमारतों में, स्पेशली मार्बल या संगमरमर की बनी इमारतों में, जब कीमती रत्न उसके दरवाजों और खिड़कियों मेहराबों में जड़े जाते हैं, जिनमें चाहे वो हीरा हो, पन्ना हो, पुखराज हो, नीलम हो, माणिक हो, मोती हो, तो ये जो डिजाइनें बनाई जाती है उस पत्थरों को, इस कीमती रत्न स्टोन्स को जड़वाकर, उसी कला को पित्रादुरा कहते हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको ताजमहल में देखने को मिल सकता है। तो सर्वोत्तम पित्रादुरा कला का प्रयोग तो ताजमहल में हुआ है, पर सर्वप्रथम इस कला का प्रयोग
किसमें हुआ है, एतमादुद्दौला के मकबरे में हुआ है दोस्तों। तो ये दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं आपके किसमें से, एतमादुद्दौला के मकबरे में से दोस्तों, ठीक है। चलिए उसके अलावा हम बात करते हैं और कौन सी इमारत है, तो हम बात कर सकते हैं सीधा सीधा अकबर का मकबरा जो भी इस काल में बना था जहांगीर के समय, लेकिन इसकी चर्चा अपन पहले कर चुके हैं दोस्तों। तो अकबर का मकबरा इसी काल में बना है जिसके बारे में हम अकबर के एपिसोड में बात कर चुके हैं। ये सिकंदरा आगरा में है, जहांगीर ने बनवाया था और ये गुंबद विहीन मकबरा है दोस्तों। तो ये अकबर जहांगीर के काल में बनी इमारतों में ये भी महत्वपूर्ण इमारत है दोस्तों। इसके अलावा स्वयं जहांगीर का मकबरा जिसकी बात अभी अभी हमने कर ली है दोस्तों, के मरने के बाद बना है क्योंकि मकबरा, लेकिन कहते हैं कि इसकी डिजाइन स्वयं जहांगीर ने बनाई थी, पर जहांगीर के मकबरे को शाहदरा लाहौर में किसने बनवाया, नूरजहां ने बनवाया। जहांगीर के मरने के बाद बना है, जहांगीर के मरने के बाद शाहजहां के काल में बना, इसलिए हम यहाँ चर्चा नहीं करेंगे, हालांकि पहले चर्चा कर चुके हैं दोस्तों, ठीक है। उसके अतिरिक्त और क्या क्या विशेष बातें इसके समय में देखने को मिल सकती है, तो जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण करवाया था। किसका बाग का निर्माण करवाया था, शालीमार बाग। तो बात कर लेते हैं, ये स्वयं जहांगीर ने करवाया था दोस्तों, आगरा में है। तो शालीमार बाग का निर्माण पूरा करवाया था इसने, ठीक है। इसके अलावा नूरजहां के भाई आशफ खान ने निशात बाग लगवाया जहांगीर के काल में ही। निशात बाग लगवाया। और इसके अतिरिक्त क्या देखने को मिल सकता है आपको, जो अकबर ने बनाया था शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, वो बलुआ पत्थर से बनवाया था, लाल बलुआ पत्थर से। जहांगीर ने शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को श्वेत संगमरमर से कन्वर्ट करवा दिया, तो श्वेत संगमरमर का निर्माण उसमें करवाया दोस्तों। तो इस प्रकार से जहांगीर के काल की प्रमुख प्रमुख इमारतें थी। तो जहांगीर के समय की मुख्य मुख्य घटनाएं अपन ने देखी हैं। स्वयं जहांगीर ने अपनी जीवनी लिखी थी दोस्तों, और इसकी जीवनी का नाम था, क्या नाम था, तुजुक ए जहांगीरी, ठीक है। इसने लिखी थी फारसी भाषा में, जिसे कालांतर में मोतमिद खान ने पूरा करवाया था दोस्तों। किसने पूरा करवाया था, मोतमिद खान ने पूरा करवाया था दोस्तों। तो इस प्रकार से जहांगीर के समय की मुख्य बातें थी, ठीक है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, शेष शाहजहां हम अगले अध्याय में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।